ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी रोजाना होती कोरोना के ग्राफ में वृद्धि ने स्वस्थ लोगों की भी सांसें मानो रोक सी रखी है। आज हालात कुछ इस कदर बद से बदतर हो गए हैं कि जिंदगी बस आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है। अस्पताल से लेकर शमशान कब्रिस्तान तक का मंजर इतना भयावह है कि घरों से बाहर निकलना मानो मौत को दावत देना होता जा रहा है। बहरहाल राहत की बात इसमें यह है कि एमपी में भी आज से 18+ लोगों की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या टीकाकरण अभियान में तेजी के बाद बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लग सकेगी या सरकारों के पास आखिर में लॉकडाउन का कल भी शेष रह जाएगा। ऐसे तमाम अहम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी इस पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इतना ही नहीं, हालात अब लगातार खराब होते जा रहे हैं। पहले रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, तो अब ये आंकड़ा 3 लाख को भी पार कर 4 लाख पहुंचने के करीब है। रोज होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और कई मौतें तो ऐसी हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं आ रही हैं। हालात इतने भयावह हैं कि अस्पतालों में मरीज बिना बिस्तरों के ही दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल से लेकर शमशान कब्रिस्तान तक का मंजर डराने लगा है। एक नजर देश में वर्तमान के कोरोना आंकड़ों पर डालें तो देश में मिले 3,82,847 नए संक्रमित। 24 घंटे में देश में 3,786 संक्रमितों की मौत। देश में वर्तमान में 34,84,915 एक्टिव मरीज। देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया। इतना ही नहीं, लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो चला है कि अब अस्पतालों में इलाज से लेकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार तक के लिए कतारें हैं। अस्पतालों में हालात कुछ इस कदर भयावह हैं कि ना ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही मरीजों को दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज से प्रदेश में 18+ लोगों के टीकाकरण की भी शुरुआत कर दी गई है। यदि बीते दिन मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में मिले कोरोना के 12,662 नए संक्रमित। 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना से 94 मरीजों की मौत। इंदौर में 1,821 नए संक्रमित, 8 की मौत। भोपाल में 1,678 नए संक्रमित, 4 की मौत। ग्वालियर में मिले 1,072 नए संक्रमित, 8 की मौत। जबलपुर में 721 नए संक्रमित, 8 की मौत। रतलाम में मिले 325 नए संक्रमित, 5 की मौत। वहीं छत्तीसगढ़ के हालातों पर नजर डालें तो यहां कोरोना बेकाबू हो गया है। इतना ही नहीं, लगातार बढ़ रहे कोरोना केस यहां 8 लाख के करीब पहुंचने को हैं। यदि संक्रमितों के आंकड़ों पर यहां भी नजर डाली जाए तो प्रदेश में कोरोना के 15,785 नए संक्रमित मरीज। 24 घंटों में प्रदेश में 210 मरीजों ने तोड़ा दम। रायपुर में 1,008 नए संक्रमित, 39 की मौत। दुर्ग में मिले 899 नए संक्रमित, 23 की मौत। बिलासपुर में मिले 1,223 नए संक्रमित, 28 की मौत। राजनांदगांव में 626 नए संक्रमित, 9 की मौत। रायगढ़ में मिले 1,220 नए संक्रमित, 7 की मौत। कोरबा में 1,206 नए संक्रमित। जांजगीर चांपा में मिले 1,283 नए संक्रमित, 17 की मौत। धमतरी में मिले 580 नए संक्रमित, 14 की मौत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। अभी लोग ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं सरकार भी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना चेन तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन जब तक जनता स्वयं जागरूक होकर कोरोना की चेन नहीं तोड़ती तब तक ये कोरोना बढ़ता जाएगा। जनता को चाहिए कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा करें, क्योंकि अब आपकी जान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी ही है। इसीलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं राजधानी भोपाल से। दीप्ति, बड़ा सवाल यह है कि क्या वैक्सीनेशन से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सकेगा? आज से मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, क्या कुछ देखने को मिला इस दौरान, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये एक अलग से एक सेंटर बनाया गया, एक सरकारी स्कूल में इसको पूरा तैयार किया गया था
और वहाँ पर आज सिर्फ 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और ये वो 100 लोग होंगे जिन्होंने 1 मई को रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं भी ऐसी रहीं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं था या मैसेज था केवल उन लोगों के आने से वहाँ पे अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन वैक्सीनेशन वहाँ पर अब प्रॉपर चल रहा है, लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन होगा 18 to 44 में, उसमें कहीं ना कहीं चेन जरूर टूटेगी। चेन टूटने की एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है कि चूँकि ये वो लोग हैं जो 18+ एज में है, जिनकी इम्यूनिटी ये माना जाता है काफ़ी स्ट्रांग होती है, रिकवर भी जल्दी करते हैं, और अगर ऐसे में इनको वैक्सीनेशन का सपोर्ट मिलेगा तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग फिर इन्फेक्टेड ना हों, और जब खुद इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं चेन ब्रेक तो होगी ही। और अब जिस तरीके से करिश्मा स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, चेन ब्रेक करने का कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वैक्सीनेशन किया जाए और जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है वो अपने आप को बचा के रखे कोरोना से, क्योंकि कोरोना से बचाना केवल सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि खुद की जिम्मेदारी भी है कि खुद को हम किस तरह से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। करिश्मा बिल्कुल दीप्ति बने रहे मेरे साथ, विनोद भी मेरे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या कुछ हलचल देखने को मिली वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां? देखिए करिश्मा, ग्वालियर में 79 वैक्सीनेशन के सेंटर हैं और उन सभी सेंटरों पर 18+ के युवाओं को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि आज पहले दिन केवल 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा और उसके बाद शासन का ये कहना है कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए पहले से जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, आगे जितने भी लोग लगवाएंगे वो पहले रजिस्टर्ड कराएंगे ऑनलाइन, उसके बाद वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। मैं बता दूं कि ग्वालियर में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 18+ के लोगों की संख्या लगभग 19 लाख है, जिसमें 18 से 44 लाख ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख है, यानी 10 लाख ऐसे युवा हैं जिनको वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो ज़्यादातर मेहनत करती है, फील्ड में रहती है, सड़कों पर रहती है और घर से बाहर रहती है काम के संबंध में। तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साह तो काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण इस कदर हावी है इस समय पूरे अंचल में कि लोग घर से निकलना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। पहले दिन जिन लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा उनमें 2 लोगों का वैक्सीनेशन तो एक औपचारिकता के तौर पे सीएम शिवराज सिंह चौहान की वीसी में ग्वालियर में भी हुआ है, और उसके बाद जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ भी एक एक दो दो करके तीन तीन करके युवाओं को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो 100 संख्या उनकी पूरी हो जाएगी और वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो सेशन होगा उसमें फिर से नए लोगों को जोड़ा जाएगा, तो ये क्रम चलता रहेगा बाकी लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक है विनोद, बने रहे। दीप्ति आपके पास आऊंगी, कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर की, अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही थी और खास तौर से जो लोग वहां पे पहुंच रहे थे उनकी यही कंप्लेन थी कि यहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में चुनौतियां काफी हैं इस वक्त। बिल्कुल चुनौतियाँ काफ़ी हैं और अव्यवस्थाएं इसलिए भी देखने में आ रही थी क्योंकि एक तो बहुत क्लियरिटी नहीं थी, केवल एक सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, तो जो 100 लोग वैक्सीनेशन जिनको कराना है वो तो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो दूसरे आने वाले हैं या फिर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन केवल मैसेज गया था या जिनकी बारी नहीं थी वो भी आज वैक्सीनेशन कराने पहुँच गए, जिसके चलते वहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएँ देखने को मिली, तो यही वजह रही। और हालाँकि अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और उसके बाद जो है लोग काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं, लोग क्या बल्कि ये कहें कि जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि अब चूंकि वैक्सीनेशन करा लिया है तो कोरोना से बचने का ये बड़ा सरल और सहज तरीका हो सकता है शायद कि हम अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो इन्फेक्शन से बचेंगे। तो अभी भोपाल में टोटल करिश्मा इस तरह से जो ये 18+ का वैक्सीनेशन होगा इसके लिए पूरे 31 सेंटर बनेंगे, लेकिन आज वैक्सीन की कमी थी इसलिए पहले दिन 100 लोगों के लिहाज से केवल एक सेंटर तैयार किया गया है और इसके बाद इन सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा और 15 मई तक जो पूरा टारगेट रखा गया है आज के दिन तो पूरे मध्य प्रदेश में 10,400 कुछ वैक्सीन लगेंगे, लेकिन इसके बाद 15 मई तक ये टारगेट बढ़ के 45,000 का होगा और उसके बाद ये 1,48,000 के पूरे डोज का टारगेट रखा गया है। तो ये पूरा टारगेट करके लगाया जा रहा है कि किसी तरह कोरोना की चेन ब्रेक हो और इनको कोविड केयर सेंटर्स में या कोविड अस्पतालों में नहीं लगाया जा रहा है, इनके लिए अलग सेंटर बनाए जा रहे हैं क्यों, चूँकि कोविड अस्पताल में लोग वहाँ जाने से झिझक सकते हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि चूँकि कोविड अस्पताल होगा
होगा तो वैक्सीनेशन की इतनी लंबी लाइन अगर लगेगी तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर इन्फेक्शन और तेज़ी से फैले, तो इसके लिए अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं। भोपाल में पूरे 31 सेंटर हैं लेकिन आज केवल एक में शुरुआत की गई है और केवल 100 लोगों का वैक्सीनेशन वहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन का डोज बढ़ता जाएगा वैसे सेंटर्स भी बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। ठीक है दीप्ति। विनोद, मेरा सवाल आपसे है कि युवाओं में कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए करिश्मा, अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था तो इतना ज़्यादा उत्साह लोगों में देखा नहीं गया था। हालांकि शुरुआत के हफ्ते 15 दिन ऐसे थे जब लोगों की भीड़ देखने को मिली, बाद में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा तो बाकी लोग भी जो 45 से ऊपर की उम्र के हैं उनका भी जाना धीरे धीरे कम हो गया। ऐसे में ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 18+ लेके 45 के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं युवा सरकार को कोस भी रहे थे कि जो लगातार काम में और व्यवस्था अपनी व्यस्तता रखते हैं, काम करते हैं, जो रोजगार युवक हैं उनको वैक्सीन क्यों नहीं लगाई। तो अब ये काम शुरू हो गया है, इसको लेके काफी उत्साह है क्योंकि पहले दिन जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तो ग्वालियर में बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्टर कराया लेकिन केवल 100 ही लोगों को वैक्सीनेशन का मौका मिला है पहले दिन, और इसके बाद जब संख्या बढ़ेगी तो ये उत्साह भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आप भी जागरूक रहिए और वैक्सीन लगवाइए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही।